हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम उड़द दाल बनाने जा रहे हैं, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी होता है। रोटी और चावल के साथ भी आप इसको खा सकते हैं। इजी तरीके से स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि हम जितने भी न्यू वीडियो बनाएं सबसे पहले आप लोगों को मिले। हमें सपोर्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। 200 ग्राम उड़द का भुना हुआ दाल ले लिया है। इसको मैंने 2 से 3 बार अच्छी तरीके से धो लिया है। 2 टमाटर को भी काट लिया है। तो इधर गैस पे कुकर को रख लिया था। कुकर गर्म होने के बाद हम इसमें 1 कटोरी पानी ऐड कर रहे हैं। उसके बाद मैं इसमें और 1/2 कटोरी पानी ऐड कर रही हूँ। कुल मिला के 1.5 कटोरी पानी हमने डाला है। तो दाल को भी डाल लेंगे। 1 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, स्वाद अनुसार नमक, 1/2 चम्मच तेल डालेंगे, इसका लिड लगा लेंगे, 4 विसल आने तक हम इसको पका लेंगे। तेल भी आ चुका है, कुकर भी हमारा ठंडा हो चुका है, तो अब लिड को हम खोल लेंगे। ये देखिए, दाल हमारा अच्छी तरीके से पक चुका है। यहाँ पे एक बर्तन में मैंने इसको निकाल लिया है। कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया था। कढ़ाई गर्म होने के बाद 1 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। तेल गर्म होने के बाद 1 चम्मच राई डालेंगे। तो ये अभी हम लहसुन को डाल लेंगे यहाँ पे, प्याज नहीं डाला है, आप प्याज भी ऐड कर सकते हैं। तो दाल को भी हम डाल देंगे। तो 1 मिनट तक हम यहाँ पे पका लेंगे इसको, 1 उबाल आने तक। अच्छे तरीके से पका लेने के बाद अभी हम इसको 1 कटोरी में निकाल लेंगे। तो हम तड़का लगाएंगे। तो आप तड़का नहीं भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी। तो यहाँ पे 1 चम्मच तेल पे 2 से 3 सूखी मिर्च और 1/2 चम्मच कश्मीर रेड चिली पाउडर मैंने ले लिया है। दाल बन के रेडी हो चुका है गाइस। अगर आप लोगों को इसका वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि हम जितने भी न्यू वीडियो बनाए सबसे पहले आप लोगों को मिले। मुझे सपोर्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।